दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। आशा करती हूँ कि ये सारी की सारी सेशंस आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फाइजर बायो एन टेक सीक्स अप्रूवल फॉर थर्ड बूस्टर डोज फॉर इट्स COVID-19 वैक्सीन। एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर दी GS2 एंड GS3 पेपर्स ऑफ मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। Pfizer BioNTech are seeking regulatory authorization for a third booster dose of their COVID-19 vaccine. जो Pfizer BioNTech है इसको regulatory authorization मिल गया है third booster dose के लिए for their COVID-19 vaccine. Data from an ongoing trial showed that a third shot increases the antibody level by 5-10 times against the virus. डेटा से पता लगाया गया है कि जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं इस वैक्सीन के, तो उसमें पता लगा है कि अगर थर्ड शॉट आपको मिल जाता है तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में, एंटीबॉडी का जो लेवल है वो 5-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बोथ कंपनीज बिलीव द बूस्टर डोज वुड बी नीडेड विद इन 6-12 मंथ्स आफ्टर फुल वैक्सीनेशन। दोनों ही कंपनीज का ये विश्वास है कि ये जो बूस्टर डोज है यानी कि थर्ड डोज होगा, ये 6-12 महीने के बीच में कभी भी आपको ज़रूरत हो सकती है जब आप फुली वैक्सीनेट हो जाते हैं, यानी कि आपको पहले के 2 डोज लग जाते हैं, उसके बाद 6-12 महीने के बीच में आपको थर्ड ये बूस्टर डोज मिलेगा। ओके, ग्रेवेलिया बोरो न्यू अंडरग्राउंड स्पाइडर स्पेशीज डिस्कवर्ड इन असम। एंड दिस टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर द GS3 एग्जामिनेशन। जो ग्रेवेलिया बोरो है ये नया अंडरग्राउंड स्पाइडर स्पेशीज है जो कि असम में डिस्कवर किया गया है। 2 स्पेशीज ऑफ स्पाइडर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द झारबरी रेंज ऑफ वेस्टर्न असम चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। जो झारबरी रेंज है वेस्टर्न असम की ऑफ चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट भारत में, वहाँ पर 2 स्पाइडर्स की स्पेशीज को पाया गया है, डिस्कवर किया गया है। Found for the first time, Grevillea boro is the burrow spider that lives approximately 10 to 15 centimeter below the ground. तो इसमें से जो पहली बार पाया गया है ये पहला वाला स्पाइडर जिसका नाम है Grevillea boro, ये ग्राउंड से यानी कि धरती से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे रहता है। इट्स बरोज अराउंड 1 सेंटीमीटर वाइड वर फाउंड कवर्ड अंडर श्रब्स। अब इसके 1 सेंटीमीटर के अंदर भी पाया जाता है लेकिन वो श्रब्स से कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कास्टल बिल्ट इन डेनमार्क। जो विश्व का सबसे लंबा सैंड कास्टल है वो डेनमार्क में बना है। दिस टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर GS3 एंड GS2। वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कास्टल कंस्ट्रक्टेड इन डेनमार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन द न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक है ये आपके SSC, रेलवेज और FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूरे विश्व का जो सबसे लंबा सैंड कासल है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, डेनमार्क में कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंड ये इसीलिए इसे गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसको जगह दी गई है। द सैंड कासल मेजरिंग 21.6 मीटर्स हाई हैज़ बीन बिल्ट अप विद 4,860 टन्स ऑफ सैंड। इट इज 3.5 मीटर टॉलर देन द वन बिल्ट इन जर्मनी इन 2019। Wilfred Stiger, along with the world's 30 best sand sculptors, built the sand castle. तो ये सैंड कासल बनाया किसने है, विल्फ्रेड स्टीगर ने बनाया है, किसके साथ मिलकर, पूरे विश्व के 30 बेस्ट स्कल्प्टर्स के साथ मिलकर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल CEO मनु सॉनी टू एग्जिट विद इमीडिएट इफेक्ट। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO हैं मनु सॉनी, ये एग्जिट करेंगे, ठीक है, यहाँ से। And the ICC announced that CEO Manu Sani will exit the organization with immediate effect. Sani has come under the scanner for his conduct during an internal audit by PricewaterhouseCoopers. Geoff Allardyce will be acting CEO. और इनके एब्सेंस में एक्टिंग CEO कौन रहेगा ICC का, Geoff Allardyce. Okay. So friends, now let's move on to the next news. Seventh Pay Commission.
5 big changes before DA hike that central government employees must know. This topic is relevant for the GS3. The central government announced a set of 5 major benefits before announcing the final decision regarding the DA hike. जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने कुछ 5 मेजर बेनिफिट्स को जो है अनाउंस किया है. क्या अनाउंस करने से पहले, अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करने से पहले, किस चीज़ को लेकर, डीए हाइक को लेकर. द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर लाइकली टू रिसीव इंक्रीज डीए एंड डीआर इन सितंबर 2021 अलॉन्ग विद बेनिफिट्स एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1, 2021 एंड अरियर्स फॉर जुलाई एंड अगस्त. Next news is from the category of our country, that is India. Abnormal hot and cold temperatures cause more than 7.4 lakh excess deaths in India every year. Lancet Planetary Health Journal. जो Lancet Planetary Health Journal है उसमें लिखा हुआ आया है, उसमें कहा गया है कि ये जो abnormal hot और cold temperatures होते हैं, यानी कि जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसकी वजह से हर साल भारत में 7.4 लाख से भी ज़्यादा deaths होती हैं. DRDO and AICTE launch regular M.Tech program in defense technology. DRDO और AICTE ने मिलकर एक regular M.Tech program को launch किया है defense technology की field में. West Bengal Assembly passes resolution to set up Legislative Council. जो West Bengal की Legislative Assembly है उसने एक resolution pass किया है ताकि Legislative Council को West Bengal में भी क्या किया जा सके, set up किया जा सके. New Delhi Kashmiri Gate Metro Station gets India's first fast-tag based parking facility. नई दिल्ली से आ रही है ये news और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो Kashmiri Gate Metro Station है उसको अपना पहला, भारत का पहला ऐसा पार्किंग फैसिलिटी मिल गया है जो कि फास्टैग पर बेस्ड है. ओके, फास्टैग के बारे में आई होप आप सभी ने सुना होगा. अगर आपके पास कार है तो और आप कभी भी किसी टोल वाले एरिया से गुजरे होंगे कि मतलब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए होंगे और वहाँ पर टोल टैक्स आपको देना पड़ा होगा, तो आपको वहाँ पे जैसे पहले टोल टैक्स देना पड़ता था, गाड़ियों की भीड़ लग जाती थी, बट फास्टैग के आने से क्या है कि आपको आपकी गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली जो है एक डिजिटल वे में आपका जो टोल का जो भी मतलब आपका अमाउंट है, टोल अमाउंट है, उसे वो कट कर देगा फास्टैग. ओके, सो फ्रेंड्स, इसलिए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन भारत का पहला ऐसा फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी से इंक्लूडेड बन गया है. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी एंड कॉरपोरेट. LIC टू हैव CEO मैनेजिंग डायरेक्टर, गवर्नमेंट डज अवे विद चेयरमैन पोस्ट. अब देखिए पहले LIC के चेयरमैन होते थे, लेकिन अब इसमें क्या होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे. किसमें, LIC में. ओके, कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफिकेशंस टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. जो कैबिनेट है उसने मॉडिफिकेशंस अप्रूव की हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ताकि इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके. कैबिनेट अप्रूव्स ₹23,123 करोड़ पैकेज टू बूस्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स. जो हमारी कैबिनेट है उसने ₹23,123 करोड़ का पैकेज जो है अप्रूव किया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को, और जब भी कोई भी इमरजेंसी पड़ती है उस सिचुएशन में हमें जो है किसी मतलब घबराना ना पड़े. ठीक है, इसीलिए कैबिनेट डिसाइड्स टू अमेंड कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट ऑफ 1979. बोर्ड चेयरपर्सन टू बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर. जो हमारी कैबिनेट है उसने डिसाइड किया है कि जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट है 1979 का, उसमें क्या किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे. बोर्ड के चेयरपर्सन जो होंगे वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन होंगे जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगी, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा. कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स एंड UK. देखिए जो कैबिनेट है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के बीच में. कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑन कोऑपरेशन बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जापान फेयर ट्रेड कमीशन. कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑन कोऑपरेशन को जो है अप्रूव किया है CCI और जापान फेयर ट्रेड कमीशन यानी कि GFTC के बीच में.
NIIT एक्सिस बैंक पार्टनर टू लॉन्च डिजिटल बैंकिंग अकेडमी। डिजिटल बैंकिंग अकेडमी को लॉन्च करने के लिए कौन कौन पार्टनर बन गए हैं? NIIT और एक्सिस बैंक। केन सेज इट हैज गॉट कोर्ट नोट टू अटैच 20 इंडियन एसेट्स इन पेरिस ओवर द सेटलमेंट ऑफ अ $1.2 billion अवार्ड फ्रॉम द परमानेंट कोर्ट एट द हेग डिलीवर्ड इन दिसंबर 2020। Now next news is from the category of world. World passes tragic milestone of 4 million COVID-19 deaths, and it is said by World Health Organization. It's a very painful and very devastating news ki ek tragic milestone hai ki pure vishv mein 4 million COVID-19 deaths jo hai wo usse bhi zyada ho chuki hain. Next news is from the category of sports. इंडियन ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन विन सर्बिया ओपन चेस टाइटल इन बेलग्रेड। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं निहाल सरीन, इन्होंने सर्बिया ओपन चेस टाइटल बेलग्रेड में जीता है। जापान डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन टोक्यो बिकॉज ऑफ कोविड-19। स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड एट वेन्यूज ऑफ ओलंपिक गेम्स। जापान ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है टोक्यो में कोविड-19 की वजह से, और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो अलाउड नहीं होगी ओलंपिक गेम्स के वेन्यूज में। ओके, जहाँ जहाँ पर ओलंपिक गेम्स होंगे वहाँ पर ऑडियंस नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, हियर वी रीच टू द एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डू शेयर इट विद हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक SSC, रेलवेज, IAS, ECS एंड whatever एग्जाम्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, बिकॉज This current affair is going to be really relevant for various defense exams and for whatever exam that you are preparing for or going for. And do subscribe my channel if you are new to it. Do not forget to like the video, and please share it with as much friends as with you can. And thank you for watching, friends, and have a wonderful day ahead.